नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टार्टर 3 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर नंबर 14 पोएट्री कंप्रेहेंशन 2। सो लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पोएट्री कंप्रेहेंशन के बारे में बताया था, राइट? तो इस वीडियो में पोएट्री कंपैरिजन यानी क्या आप सबको पता चल गया होगा। सो इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू विथ अवर पोयम। तो इस पोयम का नाम क्या है? डैडी फेल इनटू द पॉन्ड, पापा तालाब में गिर गए हैं। तो कैसी पोयम होगी अगर आपके पापा तालाब में गिर जाते तो, राइट? तो चलो हम इस पोयम को पहले रीड करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट रीडिंग। एवरीवन ग्रंटेड। The sky was grey. We had nothing to do and nothing to say. We were nearing the end of a dismal day, and there seemed to be nothing beyond. Everyone grumbled. Grumbled yani bore ho chuke the, gussa ho chuke the, matlab aise kuch samajh mein nahi aata tha ki ab kya kare. The sky was grey. Grey yani sham dhal rahi thi. We had nothing to do and nothing to say. हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था और कुछ कहने के लिए भी नहीं था। We are nearing the end of a dismal day. और हम इस boring day के end के नजदीक जा रहे थे, यानी कि ये दिन खत्म होने का था। Late night हो गई थी, right? And there seemed to be nothing beyond. और ऐसा लग रहा था जैसे आगे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सारे लोग बोर हैं, राइट? ये दिन भी बोर है। तो अभी रात शाम ढलने वाली है, तो आप सबको तो पता ही है कि जिस दिन हम बोर होते हैं उस दिन कुछ काम नहीं होता है, राइट? देन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। और क्या होता है रात को? पापा तालाब में गिर जाते हैं। And everyone's face grey, merry and bright. तो होता क्या है? पापा को बचाने की ट्राई कोई नहीं करता और सबके चेहरे खुशी से चमक उठते हैं। भाई यार, ऐसा कैसा होता है? अगर कोई गिर जाता है तो आप उसे बचाते हो ना, राइट? अगर कोई गिर जाए तो उस पे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन पहले क्या करना चाहिए? उसको उठाना चाहिए, उसको पूछना चाहिए कि क्या तुझे कुछ लगा है। अगर उसे कोई ज्यादा चोट लगी हो तो हमें उसकी हेल्प करके फर्स्ट उसे ट्रीटमेंट देनी चाहिए, राइट? उसके बाद उसे अच्छी जगह पे बैठाना, मतलब बिठाना चाहिए, पानी वानी देना चाहिए, पूछना चाहिए कि तुझे बहुत लगा क्या। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पापा जैसे तालाब में गिर जाते सब हंस रहे थे। ये बैड मैनर्स है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। एंड टिमोथी डांस्ड फॉर शीर डिलाइट। और जो टिमोथी था वो नाच रहा था। गिव मी द कैमरा क्विक, ओ क्विक, मुझे फटाफट कैमरा दो, मैं पापा की फोटो निकालूंगी कैसे गिर गए थे, राइट? क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। तो इससे आपको पता चलता है कि अगर कोई मुसीबत में है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, राइट? नहीं कि उसके फोटोज निकालने चाहिए। ही इज क्रॉलिंग आउट ऑफ द डकलिंग। डकलिंग के बीच में क्राउल करके वो बाहर आ रहे थे, यानी कि ऐसे ऐसे पत्ते हटा के बाहर आ रहे होंगे। क्लिक, रुको रुको रुको, मैं आपकी फोटो खींच रहा हूँ। अभी आप सोचो अगर आप गिर गए हो, ओके, और आपको कोई उठाता नहीं है और बड़ी बहन या पापा ऐसे बोलते रुक रुक रुक, तू वहीं पे रुक, मैं तेरी फोटो निकालूंगा, तो कितना गुस्सा आएगा, आएगा ना? यस। तो ऐसे ही पापा को भी तो गुस्सा आ रहा होगा ना ये टिमोथी पर कि उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, उसके हाथ को खींच नहीं रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है? रुको रुको रुको, फोटो क्लिक करनी है, राइट? इन द नेक्स्ट स्टैंजा, Then the gardener suddenly slapped his knee. जो knee यानी कि घुटन होते हैं वहां पे,
डैडी फेल इनटू द पॉन्ड, वो पॉन्ड में गिर गए हैं, तालाब में गिर गए हैं, लेकिन इस तिमोथी को तो मस्ती सूझी है, वो तो उसकी फोटो क्लिक कर रहा है, क्या ये सच है? तो उसने अपने नी पर थप्पड़ मारा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। And the ducks all quacked as if they were daft. और सारी डक्स को ऐसे लग रहा था कि ये कोई मूर्ख आदमी है कि बचाने की बजाय तिमोथी फोटो क्लिक कर रहा है। And it sounded as if the old drake laughed at. और सबकी हंसी ऐसे दिख रही थी कि जो ओल्ड ड्रैक लाफ्ट है, सब हंस रहे थे कि ऐसा बड़ा कौन सा आपका ऐसा शौक है या आपकी हॉबी ऐसी कैसी है जो आप बचाते नहीं हो उसको और उसके फोटोज क्लिक करते हो। ओ देयर वाज नॉट अ थिंग दैट डिडंट रिस्पॉन्ड। और ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी इंसान या फिर गार्डनर को देख लो या तो फिर वहां पे जो डक होंगे ट्रीज के ऊपर जो बंदर खड़े हैं वो सारे हंस रहे थे कैसे कैसे पापा गिर गए पॉन्ड में। लेकिन हमें किसी पे हंसना नहीं चाहिए और हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, राइट? वेल डैडी फेल इनटू पॉन्ड। सब कब, सारे लोग कब रिस्पॉन्स दे रहे थे? जब भी पापा तालाब में गिर गए, राइट? सो हियर अवर पोयम हैड कंप्लीटेड। वी आर गोइंग टू लर्न अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर वन, वो टुक अ फोटो ऑफ डैडी इन द पॉन्ड। फोटो कौन निकाल रहा था? द आंसर इज तिमोथी टुक अ फोटो ऑफ डैडी इन द पॉन्ड। नंबर टू, व्हाई वाज द गार्डनर शेकिंग? गार्डनर हिल क्यों रहा था? यहां पे देखो है एंड डबल अप शेकिंग साइलेंटली, और वो खुशी के मारे इतना फोड़ा हो गया था कि वो साइलेंटली साइलेंटली ऐसे ऐसे हिल रहा था। तो गार्डनर वो शेकिंग बिकॉज ही वॉज लाफिंग हार्ड। क्यों हिल रहा था? इतना जोर से हंस रहा था कि हमको ऐसे लगे कि वो पूरा ऐसे ऐसे हिल रहा है, राइट? नंबर थ्री, व्हाई डिड इट साउंड एज इफ द ओल्ड ब्रेक लाफ्टेड? आंसर इज इट साउंडेड एज इफ द ओल्ड ब्रेक लाफ्टेड बिकॉज ऑल द डक्स वेर लाफिंग एज इफ दे वेर ड्राफ्ट। बहुत सारी ऐसी डक्स है, नहीं ऑल द डक्स यानी कि सारे डक्स ऐसे हंस रहे थे जैसे वो मूर्ख हो, राइट? नंबर फोर, डज द पोयम टेल अस हाउ डैडी फेल इन द पोयम पॉन्ड? क्या पोयम में हमें ऐसा बताया गया है कि डैडी जो थे वो तालाब में कैसे गिरे? सो द आंसर इज नो, द पोयम डज नॉट टेल अस हाउ डैडी फेल इन द पॉन्ड। उसमें सिर्फ पहले ही ऐसे बता दिया गया कि जो डैडी थे वो तालाब में गिर गए, लेकिन कैसे गिरे, उसका पांव फिसला, दिखाई नहीं दिया, वो रीजन हमें बताया नहीं गया है। आफ्टर कंप्लीटिंग एक्सरसाइज ए, वी विल गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज बी। आर द फॉलोइंग वर्ड्स सिनोनिम्स और एंटोनिम्स? राइट एस फॉर सिनोनिम्स एंड ए फॉर एंटोनिम्स। अगर जो टू वर्ड्स दिए गए हैं वो सिनोनिम्स है, समान है, उनका मतलब सेम होता है, तो आप एस लिखोगे। अगर एंटोनिम्स यानी कि दोनों डिफरेंट वर्ड है तो आप ए लिखोगे, राइट? आफ्टर दैट, तो फिर ये एक्सरसाइज भी होमवर्क में देती हूँ, राइट? और आपको आंसर की के साथ आंसर मैच करने होंगे। आफ्टर दैट एक्सरसाइज सी, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड नेक्स्ट आफ्टर डैडी फेल इनटू द पॉन्ड? आप सोचो कि जब पापा पॉन्ड में गिर गए होंगे तो क्या हुआ होगा, सोचो। तो इसमें लिखा है डू यू थिंक, आपको सोचना है, आंसर भी आप लिखेंगे, राइट? आफ्टर कंप्लीटिंग एक्सरसाइज बी एंड सी, आई होप आप सबको ये पोयम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, इसलिए एक्सरसाइज बी और सी
बताया गया है। राइट, तो फर्स्ट सर्कल किस पे होगा? बी ओ आर ई टी पे। नंबर टू, बिकॉज दे हैड नथिंग टू डू वॉच प्ले, उनके पास क्या करने को कुछ नहीं था, तो कुछ भी करने को नहीं था, यानी कि डू पे आंसर आएगा। राइट, तो सर्कल किस पे करोगे आप? डी ओ डू। नंबर थ्री, इट वॉज अ सनी क्लाउडी विथ डे, कौन से दिन थे? राइट, क्लाउडी दिन थे। नंबर फोर, देन डैडी एंड अप इन द पॉन्ड, इट वॉज अ जोक एन एक्सीडेंट के ट्रिक, जोक था, वो हंसी मजाक के लिए तालाब में गिरते नहीं, ट्रिक, किसी ने ट्रिक आजमाई थी कि चलो इसे हम धक्का मार के गिरा दे, ऐसा कुछ था नहीं। आंसर क्या आएगा? एक्सीडेंट, यानी कि उसे नहीं पता था कि मैं पॉन्ड में ऐसे गिर जाऊंगा। राइट, नंबर फाइव, एवरीवन लाफ्टेड ग्रंबलेड एंड डांस, सब क्या कर रहे थे? यस, लाफ्टेड यानी कि सब हंस रहे थे। सो आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो हियर आवर ऑल एक्सरसाइज आर कंप्लीटेड एंड ऑल्सो चैप्टर नंबर 40 है कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।